आज पहली दफा मुझ पर हाथ उठाया है, वो भी आपकी वजह से। भाभी कभी माफ नहीं करूंगी आपको, कभी भी नहीं। निदा, सोनिया बाजी के कमरे में रखवाओ, बहुत ध्यान से, नाजुक चीज है। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? पूरा सिनेमा बेसमेंट में लगा तो रखा आपने। एक तो मैं आपके और आपकी बेटी के शौक से बड़ी तंग हूं ना। अब क्या कर दिया मैंने और मेरी बेटी ने? फिल्म देखने जा रही है सिनेमा दोस्तों के साथ, मतलब कितनी लो क्लास बात है। इसमें से क्या बात है? आप तो लो क्लास के हक में बोलेंगे ही भाई। मैं सिनेमा जाने का कह रहा था, अगर अपने दोस्तों के साथ जा रही है तो जाने दें, एंजॉय करेगी। कुछ अंदाजा है आपको किस किस्म के लोग आते हैं वहां पे और कहां कहां से आते हैं? हर किस्म के जर्म्स, इन्फेक्शंस, आई मीन खुदा के वास्ते। अगर इन बातों के बारे में सोचती रहेंगी तो जीना दुखर हो जाएगा। आपसे तो बात करना बेकार है बिल्कुल। अच्छा ये याद है ना कि आज कुरैशी साहब के यहाँ डिनर है रात को? मैं कैसे भूल सकता हूँ भला, हैं? वक्त पे तैयार होना। मैं ताबेदार हूँ आपका। ताबेदारी नहीं चाहिए, वक्त पे तैयार हो जाना, आपकी वजह से लेट ना हो। ठीक है, थैंक यू। जी थैंक यू। शीनी, पानी लाओ। मम्मी, आपको जुगनू पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर मेरी जगह तुम होते ना फरहान, तो तुम भी यही करते। मेरे चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अम्मी ने कौन सा शौक से मारा है उसे, देखिए कैसे रो रही है। अच्छा आप चुप तो करें ना। पहली बार जुगनू पर हाथ उठाया, मेरा कलेजा कट रहा है। अच्छा रोए मत, पानी पिए। अम्मी आप ना रोए। दरवाजा खोलो। नो अम्मी, शेरी जल्दी आए। जुगनू दरवाजा खोलो। क्या हुआ फरहान? अम्मी ये दरवाजा नहीं खोल रही है। जुगनू, अरे प्लीज गुस्से में स्लिप गलत तो नहीं कर दिया? जुगनू, जुगनू बेटा दरवाजा खोलो। जुगनू, अरे मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैंने क्या कर दिया देख तो सही। शेरी अम्मी बात इतनी बड़ी तो नहीं थी जिसके लिए ये हरकत की जाए, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? ये आपके लिए इतनी सी बात होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। आज आपकी वजह से मेरी अम्मी ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा पहली दफा, जो मेरे मुंह पे नहीं मेरे दिल पे लगा है। अम्मी अम्मी आप जाए, मैं जुगनू से बात करता हूँ। अरे बेटा मैं, आप जाए ना, मैंने कहा आप जाए। आए मेरे साथ। मामा। हाँ जी। मेरे कमरे में स्क्रीन आपने लगवाई है, अच्छी लगी ना? Do you know how much that's worth? इसकी जरूरत नहीं थी मामा,
तुम्हें जरूरत नहीं थी मगर मुझे थी। मैं चाहती हूँ तुम्हें कोई भी फिल्म्स देखनी है, जो भी कुछ देखना है अपने कमरे में देखो, कॉल योर फ्रेंड्स ओवर, कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो आपने स्क्रीन इसलिए लगवाई है ताकि मैं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ सिनेमा ना जाऊं? हाँ, होम थिएटर तो नीचे जाके देखती नहीं हो, या तो कमरे में हो या फोन पे हो, तो आई थॉट माइट एज वेल, नाउ यू कैन वॉच एनीथिंग यू वांट टू इन योर रूम। हाँ माँ, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है। ना तो मैं कहा हूं, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। आप मेरे पास हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं। मुझे आपकी साथ की जरूरत है मामा। Now where is this coming from? क्या हो गया? हाँ? एक सेकंड बेटी। हाँ जी लैला। नहीं नहीं, मैं अभी आसिफ से कह रही थी, I have to take this. हाँ, मैं कह रही थी कि वक्त पे पहुंचना है, कुरैशी साहब का डिनर है, and I have to tell you something really interesting. हाँ, मैं सोच रही थी रात को बताऊंगी, बट अभी बता देती। आप ये बात कभी समझ ही नहीं सकते। मुझसे मसला क्या है भाई? हर वक्त मेरी बातों में, मेरी चीजों में कोई ना कोई ऐप ही ढूंढती रहती है। कभी काम ना करने का ताना, कभी हमजा भाई के घर जाने का ताना, कभी सितरा के साथ जाने का ताना, ये होता रहता है हर वक्त। आज हद कर दिए उन्होंने, अपने किसी रिश्तेदार के साथ मेरे रिश्ते की बात कर रही थी। क्या? मैं आपको भाई बता रही हूँ, मैं भाभी की मर्जी से कहीं शादी नहीं करूंगी, मुझे नहीं पता। अरे मेरी जान, तुम्हारी शादी हरी मर्जी के बगैर कोई नहीं करेगा, मगर तुम्हारी भाभी तुम्हारी दुश्मन नहीं है। हरकतें तो सारी मेरे दुश्मनों वाली ही करती हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी भाभी की आज पिटाई करूंगा, अब खुश है? ऐसी बातें करें, मैंने ऐसे तो नहीं बोला आपको करने को। मैं बस चाहती हूँ कि आप उनको समझा दें कि मेरी शादी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है उन्हें। वो क्यों फिक्र कर रही है मेरी शादी की? अच्छा बाबा, समझा दूंगा, बता दूंगा। चल अब तुम मुस्कुरा दो, मैं बात करूंगा तुम्हारी भाभी से, ठीक है? परेशान मत।